किधर छुपा है। आगे बढ़कर जब देखा द्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूमट ओढ़ के वहां खड़ा बांसुरी वाला। जैसे ही पिता मैंने आगे बढ़ के देखा तो एक द्वार पर एक कोई मुख ढककर के पीतांबरी से कोई ढकी हुई कोई नारी खड़ी है। बीच पिता में पहचान गए। कहते हैं द्रौपदी का जूता पीतांबरी के कोने में था। द्रौपदी की जो चरण पादुका थी वो उठाकर अपनी पीतांबरी में छुपा ली, क्योंकि राजशाही थी हर कोई पहचान लेता, पीतांबरी में छुपा ली। पिता मैं कहते धन्य है गोपाल, धन्य है कन्हैया। वहां लगे कहने कन्हैया, जब पिता मैंने भगवान को पहचान लिया तो मेरे गोपाल मुस्कुराने लगे। कहते हैं कन्हैया हंसने लगे और यहां लगे रोने पिता मैं। मेरे गोपाल हंस रहे, पिता मैं रोने लगे, चरणों में लेट गए। पिता मैं भगवान के चरणों में लिपट गए और कहते हैं गोपाल तेरे इस रूप पर मैं अपना क्या वार दूं, गोपाल क्या वार दूं, पहली बार देखा है अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए। भक्तों के कारण देखो तो सही, भक्तों के कारण देखो तो सही, दासी भेष बनाया है। भक्तों के लिए भगवान ने दासी भेष बना लिया। ओ द्रौपदी सुता मेरी पुत्री, तूने आज कुल पवित्र कर डाला, पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचेता कहता है। द्रुपद तेरा जो पहरा दे रहा है ना वो जगत रचेता है, वो जग को रचाने वाला है, तू क्यों चिंता करती है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल नवा का होगा जब तक रक्षक कृष्ण मुरारी है। बेटी जा, तेरे पतियों का कोई बाल बाका नहीं करेगा जब तक रखवाला मेरा गोपाल है, जब तक रक्षक कृष्ण मुरारी है। प्यारे जब इस जीवन की बांग डोर आप कन्या के हाथों में सौंप दोगे तो प्यारे कुछ नहीं हो सकता, इस जीवन को कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक बार भगवान से कहकर तो देखो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार हमारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार हाथों में। प्यारे एक बार इसे सौंप कर तो देखो, एक बार एक बार इसकी कृपा अनुभव तो करके देखो। कहते हैं मेरे गोपाल बोलते नहीं, मेरी कन्हैया बोलते नहीं है, पर लेकिन प्यारे मैंने गोविंद को दुखों को दूर करते हुए देखा है, सब बड़े से बड़ी विपदा को दूर करते हुए देखा है। संसार ने ठुकरा दिया, मेरे गोपाल ने गले से लगा लिया सा। एक बार अनुभव करके देखो, एक बार महसूस करके देखो। सच
एक बार महसूस करके तो देखो, एक बार उसे दिल से पुकार कर तो देखो साहब। सच बताता हूं, 24 घंटे चारों ओर कोई ना कोई रहता है, 24 घंटे। पर एक बार ऐसी जीवन में घटना घटी, कोई नजर नहीं आया सिवाय मेरे गोपाल के। जो कोरोना की बीमारी आई थी ना, उससे हम भी ग्रस्त हुए थे। कोरोना ही कोरोना नहीं, ब्लैक फंगस तक हुआ था। काला काला चेहरा, आंखों में धुंधलापन, सभी ने छोड़ दिया था, कोई नहीं आया था साथ। एक 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 व्यक्ति भी नजर नहीं आया था साहब, एक व्यक्ति। और वहीं पर एक भजन को मैंने बहुत गुनगुनाया था, कन्हैया जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और वक्त की अब दरकार नहीं पड़ती, किसी और वक्त की अब दरकार नहीं पड़ती, दरकार नहीं पड़ती। हे मोहल, दरकार पड़ी जब भी, दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। साहब, हॉस्पिटल वालों ने बंद कर दिया, एक दिन मौका मिल गया भागने का, चुपचाप भागो। और जाके जो फोन था वो भी बंद कर दिया, फोन को छोड़ दिया घर पर, और जाकर गिरिराज जी में लौट गई प्यारे, और कहा गोविंद बचाना है तो तेरे हाथ में, मारना है तो तेरे हाथ में, अरे कन्हैया अगर प्राण भी निकालूंगा तो तेरी रज में, और जीऊंगा तो तेरी रज में। दो दिन तो तबीयत खराब रही, पर प्यारे तीसरे दिन पता नहीं चला ब्लैक फंगस और कोरोना कहां गया प्यारे, कहां गया प्यारे। तीसरे दिन, सच बताता हूं, अनुभव है, बेशक पूछ सकते हो, पंडित जी उस समय मुझसे मिले थे। एक बार विश्वास करके तो देखो प्यारे, एक बार मेरे मुरलीधर पर विश्वास तो करो, जरा सोच कर देखो, जिस माँ के पांच पांच पुत्र मारे जाएं उस पर क्या बीतेगी। अर्जुन कहता है देवी बताओ इसे कैसे मारे, द्रौपदी कहती है मुचिता ब्राह्मणो नित राम गुरु, मुचिता मत मारो, मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन कहता है क्या कहती हो देवी, इस पापी को छोड़ दे। अरे शास्त्र नियम से इसको एक बार नहीं पांच बार मरना चाहिए, पर लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पर लेकिन देवी इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। द्रौपदी कहती है मत मारो, अर्जुन कहता है नहीं नहीं देवी इसे मरना होगा। द्रौपदी कहती है ठीक है इसे मार दो, पर लेकिन एक बात बताओ, इसे मारने से क्या मेरे पुत्र मेरे बेटे जीवित हो सकते हैं? अगर इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित होते हो तो एक बार नहीं हजार बार मार दो, हजार बार मार दो। और देवी अर्जुन मेरे पांच पांच पति हैं, फिर भी मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, क्या भूल गई गुरु द्रोणाचार्य को? क्या तुम्हें याद नहीं है गुरु द्रोणाचार्य, वो विद्या तुम्हें प्रदान की है जो अपने पुत्र को भी नहीं दी, अपने पुत्र को भी प्रदान नहीं करी। गुरु द्रोणाचार्य रणभूमि में मारे गए, माता गोमती जिसकी बुढ़ापे की सहारी उसका बेटा है,
उसे भी तुम मार दोगे क्या? उस गुरु माँ को आप रोते हुए देख सकते हो क्या? गुरु माँ को रोने दोगे? अर्जुन कहता है, देवी ऐसा नहीं हो सकता, बोलना दो पड़ेगा। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे अर्जुन वही करना भैया जो शास्त्र में लिखा है, कोई अधर्म ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए। भीम दादा से पूछा, भीम दादा कहते हैं ऐसे पापी को तो मार ही देना चाहिए। अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो इसे मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव कहते हैं अरे मंजले भैया सही कहते हैं, ऐसे पापी को तो मार ही देना चाहिए। लेकिन प्यारे एक कोने में अलग मेरे गोपाल खड़े हैं, याद रखना प्यारे अपनी सलाह वही रखो जहां तुमसे पूछा जाए। मेरे गोपाल शांत खड़े, मेरे कन्हैया कहते अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, अगर कोई हमसे नहीं पूछेगा तो हम क्यों बताएंगे, और कोई अन्याय से पूछेगा तब भी हम नहीं बताएंगे, कोई अन्याय से पूछेगा हम तब भी नहीं बताएंगे। अर्जुन मेरे गोविंद के चरणों में लेट गया और अर्जुन कहता है, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। क्या करूं गोपाल? मेरे गोविंद कहते हैं, अर्जुन ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण कोई भी हो उसे मार नहीं सकते, अगर उसको तुम मारोगे तो तुम्हें बाल ब्राह्मण हत्या लगेगी। और अर्जुन बाल हत्यारा बच्चों को मारने वाला कोई भी हो उसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए अर्जुन इसे मारना भी नहीं है, इसे छोड़ना भी नहीं है। भीम दादा मेरे गोविंद की बगल में आके बोले, वाह जी वाह क्या जजमेंट दिया है, अगर तुम्हारे जैसे दो चार जजमेंट देने वाले हो गए तो हो गया कल्याण, मारना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं है, ये कौन सी बात कह दी? मेरे गोपाल कहते हैं, भीम दादा अर्जुन ने गीता सुनी है, वो निर्णय कर लेगा प्यारे, वो निर्णय निकाल लेगा, बोलना दो पड़ेगा। और जोर से अश्वधामा थर थर कांप रहा है सभा में, लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं गोपाल धन्य है, इसके पिता कितने पूजनीय है, ऊंच निवास नीच करतूती, नीच करतूती। याद रखना प्यारे हो सकता है ये जमाने की आंख तुम्हें ना देख पाए, हो सकता है ये जमाने की आंख तुम्हें पाप कर्म करते हुए ना देखे, पर लेकिन मेरा गोपाल सब देख रहा है, सब जानता है। जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, पर बुरा बन के उसकी नजर से बचकर किधर जाओगे, कैसे बचोगे उसकी नजर से? वो सर्वांतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, वो घट घट का बासी है, वो घट घट का बासी है, बोलना दो पड़ेगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, आधे केस मुड़ दिए, आधी दाढ़ी मुड़ दी, मस्तक से तेज मणि निकालकर डक्के देकर भगा दिया। प्यारे याद रखना प्यारे, बड़ी सभा में ब्राह्मण के केस काट देना ब्राह्मण को मार देना होता है, ब्राह्मण की हत्या हो गई ये समझो प्यारे। बड़ी सभा में अगर ब्राह्मण के केसों को मोड़ दिया जाए, मुंडन कर दिया जाए, तो समझ लो प्यारे आपने ब्राह्मण को मौत दे दी, प्यारे मौत दे दी। अर्जुन ने वैसा ही किया, अश्वधामा को शुक्र गुजार होना चाहिए था, मैंने कर्म तो मरने वाला किया था, पर लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, कुछ दंड देकर ही मुझे छोड़ दिया। ईर्ष्या हो गई, अपने आसन पर बैठे बैठे अश्वधामा कहता है, ओहो अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, मैं इनके वंश को निर्वंश करके मानूंगा। फिर हंसता है, इनके वंश में बचा ही कौन है, पांच पुत्र थे वो मैंने मार दिए, कोई जल देने वाला भी नहीं रहा। इतना बोलते बोलते अश्वधामा कहता है, नहीं नहीं, जब जब रणभूमि में अभिमन्यु मारा गया था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, वो बच्चा नव मास पूर्ण करने जा रहा है, अगर मैं उस बच्चे को गर्भ में ही मार दूं तो इनको कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। प्यारे अपने आश्रम पर बैठे बैठे
दूसरे अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया प्यारे, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया प्यारे। उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए जैसे ही देखा, उत्तरा ने वो गलती नहीं करी प्यारे जो द्रौपदी ने की थी, जो उसकी सास ने की थी प्यारे। जब सास के जीवन में संकट आया था, जब दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, तो पहले संसार के लोगों से मदद मांगी थी प्यारे, पहले संसार के लोगों को पुकारा था, भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पतियों को, माता कुंती को, अपने आप को भी, अपने आप ही बचने की बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब कोई भी बचाने नहीं आया, खुद भी अपनी लाज न बचा सकी, तो प्यारे दोनों हाथ उठाकर मेरे गोपाल को पुकार लिया प्यारे, मेरी कन्या को पुकार लिया, गोपाल अब मेरी लाज तेरे हाथ में है माधव, तेरे हाथ में, बचा सकता हो तो बचा ले, जो तुझे करना हो गोपाल वो कर ले, बोलना तो पड़ेगा। उत्तरा ने वो गलती नहीं करी प्यारे। सभा जो रही है, सभा में ससुर है, दुर्जुदुष्ट जी महाराज हैं, अर्जुन है, भीम दादा है, नकुल सहदेव है, माता कुंती है, द्रौपदी है, मेरे गोपाल बेटे हैं। उत्तरा किसी के भी पास नहीं गई, सीधी जाकर मेरे गोविंद के चरणों में लेट गई, गोपाल मुझे बचाओ, मेरे कन्हैया मुझे बचाओ। उत्तरा कहती है, हे गोविंद पाई पाई महाजोगिंद्र हो, देव देव जगत्पते, हे गोपाल मुझे बचाओ, हे कन्हैया मुझे बचाओ, गोपाल ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे परवाह नहीं, लेकिन गोपाल मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कितना प्यारा संवाद है प्यारे भाई, गर्भ के अंदर शिशु है और मां मर जाए, क्या गर्भ शिशु बच सकता है? उत्तरा चाहती तो यह भी कह सकती थी कि गोपाल मुझे बचाओ, अपने आप को नहीं प्यारे, गर्भ शिशु के लिए कहा है, गोपाल इस गर्भ शिशु को बचाओ, और गोपाल अगर इस गर्भ शिशु को कुछ हो गया तो तुम जिनके रक्षक बने हो उनको कोई जल देने वाला नहीं रहेगा, कोई जल नहीं दे पाएगा, गोपाल मेरी रक्षा करो, मेरे इस गर्भ शिशु को बचाओ। मेरे गोपाल प्यारे आज तक नहीं रोए जितना आज मेरे गोविंद रोए हैं। मेरे गोपाल कहते हैं, धन्य है, अरे इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा का, अभी तक तो इस बच्चे ने कुछ देखा भी नहीं। मेरे गोपाल कहते हैं, पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। और प्यारे एक रूप से मेरे गोपाल कहते हैं, बेटी एक बार मातृभाव मन में लाओ, और जैसे ही उत्तरा मातृभाव लेकर आई, मेरे गोपाल एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गई प्यारे, गर्भ में प्रवेश कर गई, एक रूप से बाहर खड़े हैं, और उत्तरा से बीच बीच में पूछ रहे हैं कि देवी तुझे कोई कष्ट तो नहीं, देवी तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, बेटी ठीक हो? और एक रूप से उस नन्हे से बच्चे की रक्षा कर दी प्यारे, रक्षा कर दी। ऋषि कहते हैं, गुरुदेव आश्चर्य आश्चर्य, सोदगी महाराज बोले क्या आश्चर्य है, बोले भगवान ने नन्हे से बच्चे को बचाया। सोदगी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों आश्चर्य तो है, एक नहीं दो दो आश्चर्य हैं, एक नहीं दो दो आश्चर्य हैं, लेकिन ये आश्चर्य नहीं कि भगवान ने उस बच्चे को बचाया। अरे भगवान ने कितनी बार अपने भक्तों को बचाया है प्यारे, अपने भक्तों को बचाया है। ऋषि कहते हैं, तो आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य ये है, पहला आश्चर्य तो प्यारे आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं हुआ जो जन्म ले बाद में और पहले मेरे गोविंद का दर्शन कर ले, मेरे कन्हैया का दर्शन कर ले प्यारे, ये आश्चर्य है। और ऋषि मुनियों सबसे बड़ा आश्चर्य दूसरा तो ये है, भगवान की स्वयं की प्रतिज्ञा है, नो गर्भ हो बस, चाहे कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, मैं गर्भ में कभी वास नहीं करूंगा। पर लेकिन प्यारे जब भक्त के प्राण संकट में आए तो मेरे गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर गर्भ में प्रवेश कर गए प्यारे, गर्भ में प्रवेश कर गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की,
यो ही नहीं कहा जाता प्यारे, यो ही नहीं कहते प्यारे। भक्त वसल उत्तरा को बचा लिया प्यारे, उत्तरा के बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। एक बात कहूं प्यारे, जिस तरह से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं छुपती प्यारे, उसी तरह से भगवान की भी भक्त के सामने कोई चालाकी नहीं छुपती। जब उत्तरा के गर्भ शिशु को भगवान ने बचाया तो माता कुंती ने देख लिया। माता कुंती कहती है, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगत्पते, हे गोपाल तुम्हारी जय हो, कन्हैया तुम्हारी जय हो, हे द्वारिकाधीश मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मैं तुम्हें वंदन करती हूँ। भगवान कहते हैं, अरे बुआ ये क्या करती है, ये क्या करती है बुआ, ये क्या करती है बुआ, कैसे भूल गई तू, मैं तेरे भाई का सातवीं पत्नी का आठवां छोरा हूं। बुआ ये उल्टी गंगा ना बहाओ, उल्टी गंगा ना बहाओ। बुआ मुझे वंदन करना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए। माता कुंती कहती है, कन्हैया ये कैसा तेरा संबंध है रे, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, पर लेकिन माधव स्वयं क्यों भूल जाते हो, सबके पर बाबा तुम लगते हो, तुम लगते हो माधव, कैसे भूल जाते हो। गोपाल कहते हैं, बुआ हर बात सही है, पर लेकिन आज मैं उल्टी गंगा नहीं बहने दूंगा, आप मेरे चरण नहीं छू सकती। माता कुंती कहती है, कन्हैया ये शरीर तेरी बुआ है ना, पर इस शरीर के अंदर एक और कुंती रहती है, इस शरीर के अंदर एक और कुंती बैठी है जो तेरे चरणों की दासी है, उसे तो अपने चरणों में आने दे, उसे तो अपने चरणों में लगा ले माधव। माता कुंती कहती है, ठीक है। भगवान कहते हैं, ठीक है बुआ, अगर आप हमें भगवान बताती हो तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है, मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। मांगो ना बुआ, युधिष्ठिर जी बड़े हैं, पहले युधिष्ठिर जी मांगेंगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं, क्या मांगू कन्हैया, गोपाल आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दे दिया, आपसे क्या मांगू। फिर भी गोपाल अगर आपकी देने की तमन्ना है तो एक ही वस्तु मुझे प्रदान कर दो गोपाल, मेरे जीवन में कितना भी संकट आ जाए मैं अपने धर्म से कभी ना भटकूं, मैं अपने धर्म से कभी ना जाऊं। प्यारे जीवन में कितना भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, पर अपने धर्म से कभी ना भटकना चाहिए प्यारे, अपने धर्म से कभी मत भटको प्यारे। और याद रखना गीता में तो भगवान ने भी कहा है, स्वधर्म में अपने धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म में मरता है उसे मुक्ति कभी प्रदान नहीं हो सकती प्यारे, उसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। अपने धर्म में जियो, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे प्यारे। आप तो बस एक ही काम करते रहो प्यारे, जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो, देश में रहो, राधा रमण कहो,
जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस वेश में हर देश में रहो, राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। कहीं मिल जाएं तो इधर उधर की बात करने लग जाती हैं। अरे इधर उधर की बात मत करो, एक ही बात मुख पर रहे, राधे राधे। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। प्यारे आप जहां भी रहो हमेशा गोविंद का स्मरण करते रहो, हमेशा मेरी कन्हैया का स्मरण करते रहो। भीम दादा से कहा, बाबा दादा आप नहीं कुछ मांगोगे? भीम दादा कहते हैं, कन्हैया मुझे तो लोग वैसे ही बदनाम करते हैं, कहते हैं आधे में पूरा खानदान और आधे में अकेला भीम दादा। बोलना तो पड़ेगा। आप लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं ना तो लगता है आपको कथा समझ में नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा। आए रोए किस किस को आ रहा है? सबको।